सब्सक्राइब करिए टेकियासर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, फाइनली सैमसंग ने इंडिया में अपने 4 रेयर कैमरे वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A9 2018 एडिशन। और आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, बताऊंगा इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और शेयर करूंगा अपने कुछ ओपिनियंस यहाँ पर सैमसंग A9 2018 एडिशन के बारे में। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा क्या ये OnePlus 6T को हरा सकता है, ये टक्कर दे सकता है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला। तो इसी बात पर कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई होप कि यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फाइनली यहाँ पर इंडिया में 4 कैमरे वाला स्मार्टफोन सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है। प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं जल्दी से, तो यहाँ पर ये आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है। दोनों में ही आपको 128GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर जो रैम वेरिएंट है वो आपको 2 मिलते हैं। एक 6GB रैम वाला मॉडल है जो कि 37,000 की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ है, और एक 8GB रैम वाला मॉडल है जो कि आपको 40,000 की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से ये फोन के स्पेसिफिकेशन की। तो बिल और डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट में और बैक में अगेन आपको ग्लास वाली बॉडी देखने को मिलती है, में आपको एल्युमिनियम की फ्रेम देखने को मिल जाती है। बट ये बार सैमसंग ने यहां पर ग्रेडिएंट कलर में आपको दिया है, मतलब डुअल टोन जो कलर आते हैं हुआवे और ऑनर के फोन्स में, वैसे टाइप का आपको बैक पैनल देखने को मिलता है। तो बिल और डिजाइन के मामले में ये फोन आपको काफी अट्रैक्टिव लगेगा, और सैमसंग की डिजाइन जनरली अगर आप देखोगे ये प्राइस पॉइंट पे काफी बढ़िया रहते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलता है, कोई भी सैमसंग के फोन में आपको नॉच नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 6.3 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है जो कि आप बोल सकते हो इन्फिनिटी डिस्प्ले, 18.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है। रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो नो डाउट यहाँ पर डिस्प्ले काफी बढ़िया रहने वाला है, काफी क्रिस्प पंची, और यार आपको जो ब्लैक लेवल है वो काफी बढ़िया दिखने वाले हैं, क्योंकि सैमसंग के AMOLED डिस्प्ले आप सभी को पता है काफी बढ़िया रहते हैं। रैम और स्टोरेज की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया 128GB की स्टोरेज मिलती है, 6GB की रैम और 8GB रैम वाले कॉम्बिनेशन 2 अलग अलग देखने को मिलते हैं। बट अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि यहाँ पर आपको डुअल सिम के साथ साथ डेडिकेटेड microSD कार्ड का स्लॉट मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर हम बात करते हैं ये परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 660 देखने को मिलता है, साथ में आपको एड्रिनो का 512 का GPU देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस भी ये डिवाइस की काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, बट प्राइस पॉइंट को देखते हुए सैमसंग ने फिर से प्रोसेसर यार थोड़ा कम दे दिया है, तो ये चीज़ के बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फोन के कैमरास की, जो कि ये फोन का हाईलाइटिंग फीचर है। यहाँ पर आपको दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि आपको रेयर में 4 कैमरा देखने को मिलता है। अब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको 24 मेगापिक्सल का मिलेगा F1.7 अपर्चर के साथ में। जो सेकेंड कैमरा है वो आपको 10 मेगापिक्सल का मिलता है टेलीफोटो लेंस से F2.4 अपर्चर के साथ में। जो थर्ड कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है F2.4 अपर्चर के साथ में, वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा है। और यहाँ पर जो लास्ट कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर आप बोल सकते हो डेप्थ सेंसिंग जो रहता है वो देखने को मिलता है F2.2 अपर्चर के साथ में। और आपको बता दूँ ये कैमरा आपका 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, स्लो मोशन का भी फीचर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट मिलता है। EIS दिया हुआ है, OIS नहीं है। फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 24 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है F2.0 अपर्चर वाला कैमरा। तो मेगापिक्सल को यार मिला देंगे ना, ये काफ़ी बढ़िया सी मेगापिक्सल बन जाता है। तो मेगापिक्सल ये 24, 24, 8, 10 बहुत सारे हैं। तो कैमरास नो डाउट ये फ़ोन के काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं, और जनरली सैमसंग के मिड रेंज के भी कैमरा बढ़िया रहते हैं। तो स्पेशली ये कैमरे में आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। भाई एक पैकेज में आपको 4 वाइड एंगल भी ले सकते हो, टेलीफोटो भी ले सकते हो, डेप्थ सेंसिंग भी यूज़ कर सकते हो। तो कैमरे के मामले में ये फ़ोन काफ़ी किलर रहने वाला है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की बात कर लेते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको ओरियो 8.0 देखने को मिलता है, और सैमसंग एक्सपीरियंस पे ये वर्क करता है। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर, NFC, और साथ ही साथ आपको फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है। सैमसंग पे मिनी वगैरह भी आपको यहाँ पर ये फोन में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये फोन के बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर आपको 3800mAh की बैटरी देखने को मिलती है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया हुआ है, और टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा पैकेज यहाँ पर सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च करा है 37,000 की प्राइस पॉइंट पे। अब मेन बात ये आती है, क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है? देखो मैं बोलूँगा, अगर प्रोसेसर को आप हटा देते हो या प्रोसेसर को आप नहीं देखते हो, तो सैमसंग एज अ ब्रांड अगर आप देखोगे बाकी के स्पेसिफिकेशन काफ़ी कमाल के सैमसंग ने प्रोवाइड कराया है। बट अगर बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यार ये प्राइस पॉइंट पे हमें स्नैपड्रैगन का 845 देखने को मिलता है। तो सैमसंग यहाँ पर जो 660 जो कि हमें 14-15 हज़ार में मिल रहा है, वो आपको
37,000 में प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से यार ओवर प्राइस सैमसंग अपना प्रीमियम अब बोल सकते हो पैसा यहाँ पर चार्ज कर रहा है। बाकी ऑल इन ऑल फ़ोन अगर देखा जाए तो यार जिन लोगों का हैवी यूज़र नहीं है, सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए, तो वो लोग यहाँ पर ये फ़ोन को परचेज कर सकते हैं। और मेन बात ये भी आती है, क्या ये OnePlus 60 से आगे फ़ोन है? मैं आपको बोलूँगा यार OnePlus 60 एक अपनी अलग जगह पे है यार, उसका कैमरा भी काफ़ी बढ़िया है, परफॉर्मेंस के मामले में कंपैरिजन नहीं है दोनों फ़ोन का, और साथ में डैश चार्जिंग वगैरह की टेक्नोलॉजी भी दिया गया है। तो यार अगर 37,000-38,000 का बजट है तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूँगा OnePlus 60। बाकी अगर आप सैमसंग के ही फ़ैन हो और आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए ये रेंज में, तो डेफिनेटली आप सैमसंग गैलेक्सी A9 2018 को चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपका बजट इतना रहेगा तो आप OnePlus 60 लेना पसंद करोगे या सैमसंग A9 2018 वाला एडिशन लेना पसंद करोगे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और एक और एक चीज़, क्या आपको सैमसंग A9 2018 37,000 की प्राइस पॉइंट पर वैल्यू फॉर मनी लगता है या नहीं लगता है? आपकी क्या ओपिनियन है ये फोन के बारे में, वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। देखो कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है उससे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।